Good morning, one and all. Today, the topic of our discussion is A Room of One's Own by Virginia Woolf. So, this is a lecture, this is a work, an essay, which is published in September 1929 by Virginia Woolf. And this will be a bilingual lecture for the better understanding of my students. तो ये वर्क जो है वो दो लेक्चर पर बेस है जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने डिलीवर किया था अक्टूबर 1928 को. कहाँ डिलीवर किया था? न्यूनमैनहेम कॉलेज और ग्रेटन कॉलेज में. और ये जो एक कॉलेज थे, ये जो दो कॉलेज थे, ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूट करते थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, जो वुमेन के लिए खोले गए थे. तो वुमेन के लिए ये दो कॉलेज खोले गए थे. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दो कॉलेज एक्सटेंशन थे जो खोले गए थे वुमेन के लिए. तो उनको इनविटेशन मिला था वर्जीनिया वुल्फ को कि आप उनमें कुछ लेक्चर दें वुमेन के बारे में. तो उस लेक्चर को देने के लिए वर्जीनिया वुल्फ ने लेक्चर तैयार करना था. और जब इन्होंने लेक्चर तैयार किया तो उस लेक्चर को तैयार करने के लिए ये कहाँ कहाँ गईं और फिर उन्होंने किस किस चीज़ को देखा और क्या क्या एक्सपीरियंस किया, इसको इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू समझाया है. और इन कैरेक्टर में इन्होंने चार कैरेक्टर लिया है, मैरी बेल्टन, मैरी सिक्सटन और जुडिथ शेक्सपियर, और चौथा कैरेक्टर जो है मैरी कारमाइकल. तो ये चार कैरेक्टर के थ्रू उन्होंने इस सिचुएशन को हम लोगों को बताया है कि हम समझ सकें वुमेन का क्या कंडीशन था उस वक्त एजुकेशन के फील्ड में, और वुमेन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की थी. तो इन्होंने इस ऐसे में मेटाफर को यूज़ किया है और फिश का मेटाफर एक्सप्लेन यूज़ किया है ये बताने के लिए कि वुमेन की क्या एक्चुअल कंडीशन होती है. और इन्होंने इस चीज़ से बहुत एम्फेसाइज किया है. उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है इस वर्क से, अ वुमेन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ़ शी इज़ टू राइट फिक्शन. अगर किसी लेडी को फिक्शन लिखना है तो उसे अपना रूम होना चाहिए और उसके पास मनी होना चाहिए. और वो लिखती हैं कि शी राइट्स ऑफ अ वुमेन हुज थॉट हैड लेट इट्स लाइन डाउन इन टू द स्ट्रीम. सो यहाँ पर वो ये कहती हैं कि अगर किसी वुमेन को इंडिपेंडेंट होना है, कुछ फिक्शन लिखना है, कुछ ऑथरशिप करनी है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसके पास एक अपना कमरा होना चाहिए, अपनी पर्सनल स्पेस होनी चाहिए, प्लस उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए. तो इस टेक्स्ट का बहुत सारा पॉलिटिकल मीनिंग भी है जो कि आपको दिखाई देगा. इस टेक्स्ट को अगर हम किसी वर्ग की फेमिनिस्ट के किसी भी वेव में अगर डालना चाहे तो ये सेकेंड वेव फेमिनिज्म का वर्क है और ये आता है लिबरल फेमिनिज्म में, जिसमें वुमेन इस बात के लिए फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में वुमेन कहती हैं कि मुझे वोटिंग राइट चाहिए और हमारी सारी प्रॉब्लम का हल जो है वो वोटिंग राइट है. अगर हमें पॉलिटिकल राइट मिल गए तो शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. बट जैसे ही सेकेंड वेव बट जैसे ही वो राइट मिलने जाता है 1920 में, तो वुमेन रियलाइज़ करती है कि एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम पॉलिटिकल राइट मिलने से नहीं होता है. हमारे को कोई एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी या इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी या स्टेटस का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, हमें इक्वालिटी नहीं मिल रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. हमारे लिए वही जॉब ऑफर की जा रही है जो हमारे लिए जो मीनियल है, जैसे कि अगर नर्स की जॉब है तो वो ऑफर कर रही है, मगर हर फील्ड में साइंस पढ़ने के लिए उनके पास स्कोप नहीं है. तो वो उस चीज़ के लिए जब लड़ती हैं और अपने जो राइट्स एक्चुअली में जो मांग रही थी थ्रू पॉलिटिकल मींस, उसको हट करके वो कहती हैं कि नहीं, हमें कोई राइट्स मिले नहीं है, तब हम सेकेंड वेव फेमिनिज्म का लिबरल फेमिनिज्म देखते हैं. और फिर हमारा आता है उसके बाद रेडिकल फेमिनिज्म. तो ये वर्क हमारा लिबरल फेमिनिज्म के अंदर आता है, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ डिमांड करती हैं कि हर औरत को एक इकोनॉमिकल स्टेटस होल्ड करना चाहिए अपनी सोसाइटी में, सीरियसनेस होनी चाहिए लिखने के लिए, और उन्हें हर जॉनरा में लिखना चाहिए, उनके पास अपनी पर्सनल स्पेस होना चाहिए, उनका अपना एक सोशल स्टेटस होना चाहिए. सोशल स्टेटस से ज़्यादा उन्होंने इकोनॉमिकल स्टेटस पे ध्यान दिया है. तो ये पूरा वर्क इसी तरह से कंटिन्यू करेगा. और ये वर्क जो है वो इनजस्टिस के बारे में बात करता है, हर तरह की इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस के बारे में और सोशल इशूज़ के बारे में. और ये वर्क जो है थोड़ा फिक्शन बेस्ड है. तो इसकी थीम क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें थीम में फोर मैरीज ली गई हैं, चार मैरी ली गई हैं जिनको हमने ऐसा सोचा है, उनका नाम बताया है उन्होंने, मैरी बेटन, मैरी सिक्सटन, मैरी कारमाइकल और एक लेडी का नाम लिया जिसका नाम है जुडिथ शेक्सपियर. जुडिथ शेक्सपियर को उन्होंने शेक्सपियर की बहन बताया है, जो कि एक्चुअली में नहीं है, शेक्सपियर सिस्टर का इमेजिनरी कैरेक्टर है. और उन्होंने ये बताया कि वो शेक्सपियर की जो सिस्टर है वो कहीं से अनसंग रह गई, कहीं से
बिना मशहूर हुए, बिना ज़्यादा फेम पाए रह गए, क्योंकि वो एक डॉटर थी और उसे कभी भी, उसे एक लड़की थी और उसे कभी भी इतनी एजुकेशन या इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जितना कि शेक्सपियर को मिली। और इसमें फिर आगे हम जब जाते हैं तो हमने देखा कि इसमें जो ऐसे होता है वो एग्ज़ामिन करता है वुमेन की कैपेबिलिटी को, जो कि वो यूज़ कर सकती है प्रोड्यूस करने के लिए क्वालिटी वर्क। क्वालिटी वर्क किसके बराबर का? शेक्सपियर के बराबर का, विलियम शेक्सपियर के बराबर का। और इसमें आपको जानने वाली बात यह है कि जो विलियम वुल्फ की फ़ादर जो होते हैं सर लेस्ली स्टीफन, ये बहुत अच्छे फादर होते हैं, और लेकिन ये जो हैं अपनी बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाते तो हैं, मगर ये स्कूल नहीं भेजते हैं क्योंकि इनका मानना होता है कि छोटे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते, तो इसको सिर्फ घर पे ही एजुकेशन मिलती है, घर पे ही इनको कुछ इंग्लिश क्लासिक्स के बारे में बता दिया जाता है, कुछ चीज़ों के बारे में कुछ ज्ञान दे दिया जाता है, कुछ लैंग्वेज, कुछ ग्रामर, लिखना पढ़ना सिखा देते हैं, और ये इसी तरह से बस पढ़ लिख जाती हैं। तो जब ये बड़ी होती है तो ये रियलाइज़ करती हैं कि वी आर नॉट गेटिंग और वीमेन इज़ नॉट गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पर ये कहती है, जूडिथ शेक्सपियर कहती हैं, जूडिथ शेक्सपियर कह रही मैं, विलियम वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि ऐसा होता है कि जब उन्हें एक लेक्चर लिखने के लिए कहा जाता है तो वो यहाँ पर कैरेक्टर में मैरी सेटन और मैरी बेटन के बारे में बात करती हूँ, कहती हैं कि मैरी बेटन जो है वो लिखने गई एक कैरेक्टर, एक लेटर लिखने गई या वो अपने रिसर्च के लिए कुछ लिखने गई, तो हुआ ये कि जब वो गार्डन में टहल रही थी उसके थॉट्स आ रहे थे, तो वो गार्डन में टहलते टहलते उसको थॉट्स आ रहे थे तो एक गार्ड ने उसको टोक दिया और उससे कहा कि यहाँ से आप हट जाइए क्योंकि यहाँ पे आप वुमेन अलाउड नहीं है। तो उसको इतना ज़्यादा वो लगता है, इस बात को सोचते सोचते वो भूल जाती कि वो क्या कर रही है। फिर उसके बाद वो एक लाइब्रेरी जाती है और वो वुमेन का वर्क ढूंढ रही थी, वुमेन लिटरेचर, वुमेन अब एक बुक ढूंढ रही थी जो कि एक वुमेन द्वारा ही लिखी गई हो, एक वुमेन को और वुमेन के बारे में वुमेन द्वारा लिखी गई है, तो उसे एक भी बुक नहीं मिलती है। जब वो लाइब्रेरी एंटर करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि लाइब्रेरी वो नहीं एंटर कर सकती है क्योंकि उसके साथ एक आदमी का होना, एक मैन का होना बहुत ज़रूरी है, एक मेल का मेंबर का होना ज़रूरी है, और वो अकेली यहाँ पढ़ भी नहीं सकती। तब उसे रियलाइज़ होता है, लेकिन यानी हाँ वो ये रियलाइज़, फिर उसके बाद वो जाती है खाना खाने के लिए, तो वो मेस में जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, हर तरीके की जो मेल यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, वहाँ गार्ड्स हैं, वहाँ हर चीज़ है, खाने का भी अच्छा इंतज़ाम है, और जो लाइब्रेरी वगैरह थी उसमें भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे बुक्स थे, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट पे बुक थे। तो ये जो एक्सपीरियंस वो लेती है, वो जाकर मैरी सेटन के साथ बात करती है इसके बारे में और बोलती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो कि हमें नहीं मिल रही है। और फिर वो बात करती है लेक्चर में जब वो जाती है तो वो यहाँ पर बात करती है जूडिथ शेक्सपियर की और कहती है कि जूडिथ शेक्सपियर जो है वो एक लेडी थी जो कि शेक्सपियर के साथ ही बॉर्न हुई थी और शेक्सपियर के साथ बॉर्न होने के बावजूद उसको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। शेक्सपियर स्कूल गया मगर वो स्कूल नहीं गई, उसके फादर ने उससे जल्दी शादी करने के लिए कहा और जब उसने मना किया तो उसे बीट भी किया गया, फिर उसके बाद उसे मजबूर भी किया गया ये कह करके कि तुम अपने फादर से ऐसे बातें कैसे कर सकती हो, तुम्हें वही करना चाहिए जो फादर कह रहे हैं, और फिर उन्होंने उसके कहने पर शादी भी करी। जूडिथ शेक्सपियर ने ऐसी एक इमेजनरी कैरेक्टर है, और जब शादी करी तो उसके हस्बैंड भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रखता था, बहुत गंदा व्यवहार था, तो वो वहाँ से रन ऑफ करती है और फिर उसके बाद वो एक एक्टर बनना चाहती है। उसके अंदर भी वैसे ही सेम एडवेंचर और एम्बिशन होते हैं जैसे शेक्सपियर के अंदर होते थे, सेम एम्बिशन होते हैं, सेम एडवेंचर होता है, तो वो एक्टर बनना चाहती थी इसलिए वो भाग गई घर से, भागी तो फिर एक ट्रैप में आ गई। एक मेल आर्टिस्ट था, उसने कहा, एक मेल डायरेक्टर था, उसने कहा कि मैं आपको तुमको हेल्प करूँगा, तुमसे शादी करूँगा, और फिर वो उसके थ्रू प्रेग्नेंट हो गई। और फिर उसके बाद उसे वो भी दिक्कत आई कि उसने अपनी जान दे दी, और फिर वो कहती है कि ये जो जूडिथ शेक्सपियर की जो डेड बॉडी है वो अभी तक इसी लंदन ब्रिज के, लंदन में नीचे दबी हुई है एक जगह का, वो नाम लेती हैं और सबसे पुरानी जगह है वो, वहाँ का नाम लेके कहती हैं कि ये अभी भी वहीं पे दबी हुई है और
अभी भी वो, अभी भी उसके अंदर के जो सपने हैं वो मरे नहीं हैं, और अभी भी वो आपको आवाज़ दे रही है, और वो उन लेडीज़ से कहती हैं कि आप भी राइटर बनो। फिर वो एग्ज़ामिन करती हैं बहुत ही क्रिटिकल अकाउंट के, जो एलिजाबेथियन पीरियड था उसमें एक विमेन द्वारा बनाया गया वो पीरियड था, एक विमेन के द्वारा रूल किया हुआ पीरियड था, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छे ड्रामेटिस्ट आए, मगर उसमें किसी लेडी की हिम्मत क्यों नहीं हुई लिखने की। उसमें एक एफ्रा बैन थी जो लिखती थी, उसके अलावा और कोई फीमेल क्यों नहीं आई, और उन्होंने एफ्रा बैन तो प्रोफेशनली लिखती थी लेकिन और किसी की हिम्मत क्यों नहीं हुई लिखने की, और किसी ने क्यों नहीं लिखा, और विमेन राइटिंग्स क्यों नहीं दिखती हैं, उनके वर्क क्यों नहीं पब्लिश हुए। फिर वो एग्जाम्पल देती हैं जेन ऑस्टिन के, ब्रॉन्टे सिस्टर्स की, एन फिच की, कॉर्टेस ऑफ फिच की, जॉन इलियट की, के जॉर्ज इलियट की, कि अगर ये लेडीज़ जो हैं अगर इन्हें थोड़ी सी सीरियसनेस होती, इनके पास थोड़ा पैसा होता, और या इनके इनको थोड़ा सा और सीरियसली होती, सीरियस होती, तो ये सारी की सारी नॉवल नहीं लिखती। ये सारी की सारी अपने हैंड जो हैं वो अदर आर्ट में भी, अदर जॉनरा में भी ट्राई करती, और ये आज इतनी मशहूर, इससे बहुत ज़्यादा मशहूर होती हैं, बहुत हाई सीरियसनेस के साथ लिख सकती हैं। फिर वो कहती हैं कि इसमें पूरी की पूरी मेल की गलती नहीं है कि आप एक अच्छा ऑथर नहीं बन पाती, कि आपके वर्क पब्लिश नहीं होते, क्योंकि आप क्या कर रही हैं, आप अपने वर्क में सीरियसनेस नहीं डाल रही हैं, आप अपने वर्क में सीरियसनेस डालिए। और ये जो रूम ऑफ वन ओन है ना, ये एक अटैक है फेमिनिस्ट का, और ये जो है फिर वुमेन जो है, ये जो है अपने अदर सेक्शन में फिक्शनल कैरेक्टर मैरी कैर माइकल के बारे में बात करती हैं, और इसके बाद ये डेस्परेटली और डेलिबरेटली इन्वोक करती हैं लेस्बियनिज्म को, और फिर ये कहती हैं देन मे आई टेल यू दैट वेरी नेक्स्ट वर्ड आई रीड वेयर दिस क्लियो अलाइट लाइट ओलिविया डू नॉट स्टार्ट डू नॉट ब्लश लेट अस एडमिट इन द प्राइवेसी ऑफ आर ओन सोसाइटी डैट दीज थिंग्स समटाइम्स हैपन। वो इस चीज़ को प्रमोट करते हुए कहती हैं कि ये सब कुछ भी होता है, और डू लाइक वुमेन, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वुमेन भी वुमेन को पसंद करती हैं। तो इसमें मैं आपको ये बता दूँ, वर्जीनिया वुल्फ का भी एक ऐसा ही एंगल था जिसको उन्होंने ऑरलैंडो में भी लिखा है, और इनका इनका भी थोड़ा सा ऐसा ही इंक्लिनेशन था लेस्बियनशिप की तरफ, इसलिए इनके कुछ वर्क जो हैं वो इसको सपोर्ट भी करते हैं, इस फिनोमेना को सपोर्ट करते हैं। ये इनकी लेस्बियन थीम्ड नावल जो हैं द वेल ऑफ लोनलीनेस हैं, और क्या कहती हैं उन्हें रिजल्टिंग, ये जो हैं इनकी एक वो है ऑरलैंडो करके, वो है इनकी थोड़ा इस तरह का थीम है। और इसके बाद ये बात करती हैं, यानी कि ये आपको बताना चाहती हैं कि फीमेल जो है उसको अगर अपनी पोजीशन को बदलना है, अपनी जगह को सही सिक्योर करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे हाई सीरियसनेस के साथ अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान देनी पड़ेगी। और क्रिएटिविटी कहाँ से आती है, जब आप इकोनॉमिकली स्टेटस, सही स्टेटस पे होते हैं, इकोनॉमिकली इक्विप्ड होते हैं, तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी भी जन्म लेती है, और उसी क्रिएटिविटी को जब आप लिखते हैं तो उससे और ज़्यादा इकोनॉमिकली सिक्योर होते जाते हैं। तो वो कहती है अगर आप सच में इकोनॉमिकली सिक्योर होकर बिना किसी मैन की इंटरफेरेंस के साथ लिखना चाहते हैं, तो आपके पास एक अपना खुद का एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए, पर्सनल कमरा होना चाहिए, और आपके पास होना चाहिए अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसमें आप अपनी फ्रीडम के साथ लिख सकें, जिसमें आप अपनी फ्रीडम के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, आपको किसी की भी ये नहीं ज़रूरत हो कि वो आपको बताएगा, आपको गवर्न करेगा, आपकी राइटिंग पे क्वेश्चन उठा सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, आप जो हैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। और आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो।